18 नवंबर 1727 में जब सवाई जयसिंह ने इस शहर की यानी जयपुर की नींव रखी थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये शहर भारत का सबसे खूबसूरत शहर बन जाएगा। जयपुर इज बोथ टाइमलेस एंड रोमांटिक। टाइमलेस इसलिए कि जब आप यहाँ बैठते हैं तो समय बिल्कुल थम जाता है, यू गो बैक टू द टाइम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। और रोमांटिक इसलिए कि गुलाबी रंग में सरोबार ये शहर आपको अपने आप खुद ही प्यार करवा देता है। जयपुर को डिस्कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ का खाना। चले, चाहे मेवार हो, मारवाड़ हो या राजपूताना, राजस्थानी घर में नाश्ता जलेबी और प्याज की कचौड़ी के बगैर कंप्लीट नहीं होता। प्याज की कचौड़ी का इन्वेंशन जोधपुर में हुआ, लेकिन जब भी आप जयपुर आए तो रावत की कचौड़ी खाना इज लाइक अ कस्टम। जो भी जयपुर आता है रावत की कचौड़ी जरूर खाता है। लेट्स गो चेक इट आउट कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। 4-5 साल से तो खा ही रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। The taste, yeah, its crunchiness, everything works for me. शंकर जी, रावत की प्याज की कचौड़ी का इतना नाम सुना है तो बगैर चखे तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल, आपको अभी टेस्ट करवाते हैं। कचौड़ी लेकर आओ, ये लीजिए आप हमारे प्याज की कचौड़ी। कितने साल पुरानी दुकान है आप? ये 160 साल पुरानी दुकान। 160 साल पुरानी, मतलब आपके दादाजी के दादाजी ने शुरू करी। तो 160 साल पुराने इतिहास को टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ये, आहा, बहुत बढ़िया साहब, शब्द नहीं। इसमें एक एक चीज बराबर से सीजन्ड है, कोई चटनी कोई एकॉम्पलीमेंट की जरूरत नहीं। द फिलिंग इटसेल्फ इज सो कंप्लीट दैट यू डोंट नीड एनीथिंग। और जो बाहर का क्रंच है, सुपर। जब जयपुर बना तो महाराजा जयसिंह ने आजू बाजू के बेस्ट कारीगर, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या किसी भी कला में निपुण कारीगर हो, उनको बुला के इस शहर में बसाया। और 1950 में यहाँ पे मालीराम गोदावत जी आए, जिन्होंने लक्ष्मी मिष्ठान भंडार की स्थापना करी। एंड टुडे LMB स्टैंड्स एज आइकन ऑफ स्वीट्स इन जयपुर। आज मैं यहाँ पर हूँ लक्ष्मी मिष्ठान भंडार और LMBS जयपुर लव्स टू कॉल इट। और मैं यहाँ पर हूँ गिरधारी लाल, दर्शन लाल और सत्यनारायण जी के साथ। हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, माई एक्सपीरियंस इज ऑल देयर एक्सपीरियंस कम्बाइंड, उसका 1/6 यानी कि 1/6। सो आई एम हियर टू लर्न गुजिया फ्रॉम देम। गुजिया इज अ टिपिकल सेलिब्रेशन स्वीट दैट ऑल ऑफ अस रेवर। तो आइए इन तीनों निपुण कारीगरों के साथ देखते हैं कि LMB पे ट्रेडिशनल गुजिया कैसे बनती है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत ही टेस्टी है। अंदर खोआ गर्म होके हल्का हल्का भुन रहा है, और जो जो मैदा है, मैदे के अंदर जो तेल रच रहा है उसकी वजह से मोइन खुल रहा है। एंड इट्स ब्राउनिंग बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन कॉल्ड मैलार्ड रिएक्शन। आई कैन ओनली इमेजिन द क्रंच दैट इट इज गोइंग टू गिव व्हेन इट गेट्स डीप फ्राइड। जयपुर इज सिनोनिमस विद हॉस्पिटैलिटी, कलर्स एंड सेलिब्रेशन, और ये सब यहाँ के लोगों में और उनके खाने में नजर आता है। ऐसा शहर हो, ऐसी शाम हो तो प्यार अपने आप ही हो जाता है। एंड द बेस्ट इज व्हेन यू गेट योर लव बैक। मुझे खाने के प्रति अपनी मोहब्बत जयपुर से बखूबी वापस मिली।